हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूर्वा। वेलकम बैक टू अ रिएक्शन चैनल हर्ष सोलंकी रिएक्ट्स। और गाइस, टुडेज हम बहुत अच्छी एक मूवी का ट्रेलर देखने वाले। काफ़ी दिन से उसकी न्यूज़ आ रही थी, बट अभी हमें सही सोची थी कब रिलीज़ होगी उसका ट्रेलर। अब आया है, कस्टडी है मूवी का नाम। एंड इस मूवी में हम सबके फेवरेट, मतलब मोस्टली लोगों के फेवरेट है नागा चैतन्या और कृति शेट्टी। सो हम उनका ट्रेलर देखते हैं कैसी होगी मूवी। और एक सरप्राइज़ की बात आपको बता दूं कि कृति शेट्टी इज़ जस्ट 19 ईयर ओल्ड, मतलब वो सिर्फ 19 ईयर्स के हैं और उन्होंने मूवीज में मतलब ज्वाइन किया है मूवी इंडस्ट्री को। और इतनी मतलब यकीन नहीं हो रहा, उनसे काफ़ी सीनियर एक्टर है वैसे, मतलब नागा चैतन्या सीनियर नहीं है, बाकी कृति शेट्टी से वो काफ़ी सीनियर है। उनके साथ इस मूवी में उनको हम देखेंगे, अब देखते कैसे लगेंगे दोनों साथ में। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ ट्रेलर देखने के लिए, क्योंकि इन बहुत ही कम एज में उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट करा और अभी इवन मैं भी उनसे बड़ी हूँ। तो अब उनका परफॉर्मेंस तो अभी जब भी मैंने उनको देखा है टीवी में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब इस मूवी में हम देखते कैसा होगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कस्टडी नाम अच्छा है, पुलिस की मूवी लग रही है। तेलुगु ट्रेलर। నిన్న సీఎం సెక్యూరిటీ గని పంపిస్తే నువ్వు ఆవిడ బండిని ఆపేస్తావా? పోలీస్ అంటే ఏంటో తెలియకుండానే ఏదో కోటలో లోపలికి వచ్చి చేరిపోతారు. నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు, కానీ ఎలాగైనా నన్ను తీసుకెళ్ళు, లేకపోతే నా చావు నేను చేస్తా. ఏ సార్, రేవతి ఏమైనా ఫోన్ చేసిందా? లేదే, ఏమైంది సార్? రేపు తనకి పెళ్ళి తిరుపతిలో. శివ ఇది పెద్దవాళ్ళ పని, నీకెందుకు అనవసరం ఏంటి తలనొప్పి? రా శివ. సెకండ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కస్టడీలో ఉన్న ఎక్యూస్ తప్పించుకున్నాడు, చెక్ పోస్టులు టైట్ చేయండి. ఈ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ ఏం పీక్కున్నారు ఇక్కడ? काफी एक्शन। मी डिपार्टमेंट लो एवर के लेनी रिस्पांसिबिलिटी नीकु मात्रमे एंदुकु? జాగర్త, నిన్ను కోర్ట్ కి తీసుకెళ్లి అప్పగిస్తాను, లేకపోతే ట్రై చేస్తూ చస్తాను. क्या सीन था? ఒక్కసారి న్యాయం పక్కన నిలబడి చూడు, నీ లైఫ్ ఏ మారిపోతుంది. నిజం గెలవడానికి లేట్ అవుతుంది, కానీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది. కస్టడీ ट्वेल्थ में गाइस मूवी आने ही वाली, 12th मे को मूवी रिलीज़ हो जाएगी। और ट्रेलर एक्चुअली तेलुगु में था, बाकी मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कृति शेट्टी और ये ऑफकोर्स दोनों हीरो हीरोइन है। बाकी इन्हें उनकी शादी इसमें क्या पता दिखाई नहीं या हो नहीं पाती है, या एटलास्ट हो भी जाए वो तो लग नहीं रहा है इसमें कि क्या होगा आगे। बाकी वो इसमें ना मोस्टली हमने नागा चैतन्या को मोस्टली रोमांटिक मूवीज़ में देखा है, जहाँ पर वो मतलब इतना एक्शन नहीं रहता है। ये मैं पहली ऐसी उनका ट्रेलर देख रही हूँ जहाँ पे इतना एक्शन, मतलब एक तरह से एक्शन मूवी कह सकते हैं। एक पुलिस, एक ज़िम्मेदार पुलिस को दिखाता है, उनकी मतलब जो एफर्ट वो लगा रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, गुंडों से लड़ रहे हैं। तो वो काफ़ी मुझे ना एक ऐसा लग रहा है कि सिंघम वाली, मतलब सिंघम मूवी में भी लव स्टोरी का पार्ट बहुत कम था, मोस्टली एक्शन था। और इसमें भी नागा चैतन्या, अब मुझे लग रहा है कि वो जो क्यूट हीरो रहते हैं ना, जो जिस मतलब लव स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट, वो अब थोड़ा कम हो गया। अब शायद एक्शन मूवीज़ में आ रहे हैं वो, और पूरा एक्शन ही एक्शन था मूवी में। और अच्छा लगा बिल्कुल एक चेंज, और उनको पुलिस की ड्रेस में काफ़ी लोग शायद पसंद कर रहे हैं, मुझे तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा लगा। और इस मूवी में
और भी अच्छी अच्छी मतलब कास्ट है, जैसे विनेला किशोर यार मोस्टली मूवीज़ में कॉमेडी रोल करते हैं और हमें तो मतलब उनका रोल का इस मूवी में क्या पता वो कॉमेडी करेंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी सीरियस मूवी लग रही, बाकी वो जिस भी मूवी में आ जाते थोड़ा सा कॉमेडी एंगल आ ही जाता है। और इसके मतलब काफ़ी अच्छी कास्ट है इसको, मुझे सारे लोग देखे देखे से लग रहे, ऐसे कोई बहुत कम थे जिस न्यू फेसेस। मैं ज़्यादा मोस्टली मूवीज़ देखती नहीं हूँ साउथ की, बाकी जब भी देखती हूँ काफ़ी लोग पहचान में आ जाते हैं और मुझे अच्छा लगा। एंड आज की वीडियो में गाइस इतना ही, हम देखते हैं कि इस मूवी का जब हिंदी का आएगा तब हम देखेंगे कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। सो तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।